हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और एक्साइटेड हैं मेरा इंडिया का सामान देखने के लिए। बहुत बड़ा पिटारा है, मैं बहुत सारा सामान इंडिया से लेकर आई हूँ जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को हैप्पी होली अष्टमी बोलती हूँ। जिन जिन लोगों ने होली अष्टमी का व्रत रखा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इस दुनिया के सब बच्चों की बहुत लंबी उम्र हो, सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें। और जो लोग नहीं जानते हैं होली अष्टमी क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। होली अष्टमी का फास्ट हम लोग अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और इसके रिचुअल्स एकदम करवा चौथ फास्ट जैसे होते हैं। मॉर्निंग से रात तक हम कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं, और जब शाम को तारे आ जाएंगे तो तारों को अर्घ देके हम लोग अपना फास्ट खोलते हैं। और हमारे यहाँ पे होली अष्टमी पे ये देखिए, ये नेकलेस पहना जाता है, चांदी का है ये, और इसमें शाऊ माता बनी होती है, गायें बनी होती है, जिसकी पूजा हम लोग करते हैं आज के दिन। और आज के दिन हम लोग अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, हेल्दी रहने के लिए कामना करते हैं भगवान से। तो मैं यही कामना करूँगी कि सभी माओं के बच्चे बहुत खुश रहें, बहुत हेल्दी रहें। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस बार ना मैंने इंडिया से बहुत सारा होम डेकोरेशन का सामान लिया है, बिकॉज फेस्टिवल्स एकदम लाइंड अप थे और बाजार एकदम सामानों से सुंदर सुंदर सजे हुए थे। तो बहुत मन कर रहा था कि ये सामान भी ले लो, ये सामान भी ले लो। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया है अपने घर को सजाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ये लिया है डोर हैंगिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, हर कलर है इसमें आप देखिए, और कितना सुंदर लगेगा जब मैं इसे घर पे सजाऊंगी। पॉम पॉम वाला है, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं दिवाली पे अपने घर को बहुत सुंदर सा सजाने का। उसके बाद मैंने एक ये वाला डोर हैंगिंग लिया है, ये देखिए, बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला भी। और लास्ट एक और मैंने डोर हैंगिंग लिया है ये वाला, ये देखिए, ये पैरेट है इसके अंदर और पॉम पॉम की ये बड़ी सी डोर हैंगिंग है, नीचे बेल है। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का एक ये मैंने पूरा गार्लैंड लिया है, इससे मैंने सोचा था कि अपने मंदिर के अराउंड लगाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये सिंपल रेड फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर लगेगा मंदिर जब मैं इसे सजाऊंगी इसको। और मैं कुछ ये स्टिकर्स लेकर आई हूँ अपने घर पर लगाने के लिए, बटरफ्लाइज हैं, कलरफुल बटरफ्लाइज हैं, ये पैरेट वाला है देखिए। ये सब सामान ना यूएस में मिल तो जाता है बट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप इंडिया जाएं तो होम डेकोरेशन के लिए अपने बैग में थोड़ी सी जगह रखिएगा और खूब सारा सामान वहां से लेकर आइएगा। इस टाइप की तोरण वगैरह आपको यहाँ पे इंडियन स्टोर्स पे मिल जाती हैं, बट एक तो वैरायटी नहीं होती और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जा रही हूँ तो खूब सारा सामान मैं ले जाऊँ। उसके बाद मंदिर में लगाने के लिए मैंने ये चुनरी ली है, ये माता की चुनरी है। एक दिन मैं नवरात्रों में मंदिर गई थी तो वहाँ पे मुझे प्रसाद में मिली थी। एक ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, इसमें सारे भगवान जी हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मम्मी ने कहा था कि इसे अपने घर में कहीं लिविंग रूम में या मंदिर के पास लगा लेना तो सारे भगवान जी के एक साथ आपको दर्शन हो जाएंगे। इस पे ये प्लास्टिक चढ़ी हुई है और अंदर जो आप ये भगवान जी देख रहे हैं ये सब सिल्वर से बने हुए हैं, सिल्वर का जो पत्थर आता है ना पतला सा, उससे बनाए गए हैं ये भगवान जी। तो ये देखिए, इसमें सारे भगवान जी हैं। और दिवाली पे हम लोगों के यहाँ, मम्मी के यहाँ से बेटियों को गणेश लक्ष्मी दिए जाते हैं, तो you know, वो मिट्टी वाले गणेश लक्ष्मी जो होते हैं, डर रहता है कि सामान में कहीं टूट ना जाए, इसलिए मम्मी ने मुझे ये वाली पूरी मूर्ति दी है। इसमें सब कुछ है तो सब भगवान जी मेरे साथ एक साथ आ गए। और एक ये डेकोरेटिव पीस मैंने आपको अपने भुआ वाले व्लॉग में दिखाया था, ये मेरी भुआ जी ने मुझे दिया था, ये देखिए। अपने डाइनिंग टेबल पे सजाने के लिए मैं ये फ्रूट फॉक्स लेकर आई हूँ, ये देखिए। ये शायद मेरे मामा जी कभी थाईलैंड गए थे तो उन्होंने मम्मी को लाकर दिया था और मम्मी ने तब से इसे संभाल के रखा था कि कभी मुझे वो देंगी। तो इस टाइप का है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, छोटा सा है, इसे मैं बस इसे डेकोरेट कर दूंगी अपनी डाइनिंग टेबल पे। और डाइनिंग टेबल पे सुपारी सौंफ वगैरह रखने के लिए मम्मी ने मुझे एक ये दिया है, ये देखिए, इसकी ये प्लेट है और इसमें दो छोटे छोटे बाउल्स हैं और बाउल्स के साथ ये दो स्पून्स हैं। तो इसमें आप सौंफ डाल के रख सकते हैं, कोई कैंडी या चूरन वगैरह डाल के रख सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पे, तो बहुत ही सुंदर और इंडियन टच देगा मेरी डाइनिंग टेबल को। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि मैंने इस बार होम डेकोरेशन का कुछ ज़्यादा ही सामान लिया है, बट अभी और भी बहुत सारा सामान है। तो ये देखिए, ये मैंने कुशन कवर्स लिए हैं अपनी सोफ़ा के लिए,
इस टाइप के कलरफुल वाइब्रेंट प्रिंट्स ना आपको यूएस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको अपने घर को थोड़ा सा इंडियन टच देना है तो इस टाइप की शॉपिंग जरूर करें इंडिया से। तो ये देखिए मैंने एक ये वाले लिए हैं, ये 5 हैं, इसमें 5 कुशन कवर्स हैं एंड बहुत सुंदर लगेगा जब मैं दिवाली पे इन्हें लगाऊंगी। उसके बाद मैंने एक ये वाला प्रिंट लिया है, ये थोड़ा सा डेली यूज टाइप का है, इस पे मोर बने हुए हैं और अगेन ये प्रिंट थोड़ा सा इंडियन टच देता है घर को, ये देखिए। और ये भी 5 हैं। और एक और मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क कलर में, ये देखिए ब्लैक कलर का, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है और मेरे पापा को भी सबसे ज्यादा यही वाला पसंद आया था। ये देखिए इसका थोड़ा सा वेलवेटी कपड़ा है और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में। मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सा कुशन कवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ये 3 पेयर्स लिए थे और हमने ये लोकल वेंडर्स जो होते हैं ना उनसे लिया था। हम लोग, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप शायद जानते होंगे, तिलक नगर मार्केट हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक स्टॉल लगा के लेडी बैठी हुई थी और उनसे हमने ये तीनों लिए थे एंड हमने 1500 पे किया था तीनों के लिए। और उन्हीं से ही मैंने ये एक बैग लिया था, इसकी कढ़ाई आप देखें बहुत ही सुंदर बैग है एंड इसकी कढ़ाई देख के मैं एकदम से एक्साइटेड हो गई एंड आई रियली वॉन्टेड दिस बैग। तो मैंने एक ये बैग लिया है, अच्छा खासा बड़ा बैग है, अंदर भी इसमें एक जिप लगी हुई है तो मुझे लगा काफ़ी काम आ जाएगा। और इस टाइप का बैग आप सूट वगैरह के साथ कैरी करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बैग मैंने लिया है, इस पर थोड़ा थोड़ा मिरर वर्क भी हो रखा है और इसकी कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और हमने इसका आई थिंक 150 दिया था, मतलब सारा सामान हमने लिया था 1650 रुपीज़ में। 3 ये कुशन कवर्स लिए थे और एक ये बैग लिया था। उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा थ्रो है, मैंने अपने सोफ़ा के लिए लिया है एंड एक्चुअली जो मैंने सोफ़ा पे कवर लगाया हुआ है ना वो इस कलर का है और ये जब मैंने ब्लैंकेट देखा तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट है एज अ थ्रो यूज़ करने के लिए। और मम्मी ने एक ये आसन दिया है, ये देखिए इसे आप कहीं पे भी लगा के बैठ सकते हैं बट मैं इसे पूजा घर में यूज़ करूँगी जब पूजा करते हैं बैठ के, तो ये आसन मैंने सोचा कि ये परफेक्ट रहेगा उसके लिए। काफ़ी अच्छा सा है, थिक सा है तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। अब मैं आपको अपनी किचन का सामान दिखाती हूँ, इस बार मैं किचन के लिए भी थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया ये स्टील का प्लेट, ये प्लेट्स मैंने डेवॉन स्ट्रीट पे देखा था एंड इट वॉज़ रियली रियली एक्सपेंसिव, तो मैंने तभी सोचा था कि जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं इस टाइप की प्लेट्स लेकर आऊँगी। ये देखिए ये प्लेट्स ना काफ़ी अच्छी रहती हैं, सेक्शन प्लेट्स हैं, कभी आपके घर गेस्ट वगैरह आए तो आप अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सब्जी वगैरह डाल के दे सकते हो, तो मुझे अच्छी लगी और साइज़ भी काफ़ी अच्छा बड़ा है तो अच्छे से सारा इसमें खाना आपका आ जाएगा। तो मैंने ऐसी 6 प्लेटें ली हैं, ये देखिए। और प्लेट के साथ मैंने स्टील की ये छोटी छोटी कटोरियाँ भी ली हैं, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कटोरी है, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मम्मी के पास रखी थी, ब्रांड न्यू तो मम्मी ने मुझे दी हैं, ये देखिए। ये भी मैंने 6 कटोरी का पेयर लिया है मम्मी से और ये हम लोग खरीद के लेकर आए थे मार्केट से। आई थिंक ये 6 प्लेट्स का दाम था कुछ 1000 रुपीज़ शायद हमने पे किया था। और कटोरी तो बहुत पहले की रखी हुई है मम्मी के पास, एकदम न्यू थी तो ये मैं, इसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और मैं कुछ ये स्टील की छलनियाँ लेकर आई हूँ, इंडिया में ना इन स्टील की छलियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो एक ये मैं पूरी वगैरह तलने के लिए बेसिकली लेकर आई हूँ, मेरे पास इस टाइप की छलनी नहीं थी तो एक ये मैंने ली। और एक ये वाली मम्मी ने मुझे दिलाई है, सूप वगैरह कभी बनाओ या गोविंद के लिए जूस वगैरह जब मैं बनाऊंगी तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, बस इसको ऐसे प्लेस कर लो और आराम से आप मैंड्रिन्स का लाइक ऑरेंजेस का जूस वगैरह बना सकते हो या सूप को स्ट्रेन करने के लिए काफ़ी काम आएगी। और एक ये सिंपल थोड़ी सी बड़ी साइज़ में है और एक ये छोटी, ये शायद चाय वगैरह छानने के लिए मैं यूज़ करूँगी और ये एक स्पेयर में मेरे पास रहेगी, तो ये मैं 4 छलियाँ लेकर आई हूँ। तो किचन का तो यही सामान था और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना कुछ सामान। आप लोग मुझसे करवा चौथ व्लॉग में पूछ रहे थे कि मैंने जूड़ा कैसे बनाया था, तो वो आर्टिफिशियल जूड़ा था, बस सारे बालों को मैंने अपने इकट्ठा करके एक रबर बैंड से टाई कर लिया था और उसके बाद ये आर्टिफिशियल जूड़ा अटैच किया था, ये देखिए। तो ये बिल्कुल रियल लुक देता है, ये इसका मतलब ये साइड आपको दिखेगा और ये इसका, ये देखिए ये पिन है, बस आपको ऐसे करके अटैच करना है तो बहुत सुंदर सा जूड़ा बन जाता है और बिल्कुल टक इन रहता है। लाइक मेरा जूड़ा पूरा मैंने शाम को, दोपहर को बनाया था और शाम तक टक इन रहा था, तो बाल भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, एकदम रियल लुकिंग लग रहे थे।
तो एक ये जूड़ा लिया था और उसके साथ मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स का गजरा लिया था। रियल फ्लावर्स तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स का मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, कभी कभार लगाने के काम आ जाएगा। तो ये देखिए, वैसे मुझे रियल मोगरा फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी स्मेल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये मेरा गजरा है, ये देखिए, ये है स्टॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर काम हो रखा है सरोस्की का। ये देखिए, ये आहूजा सन्स की है और ये मेरी चाची ने मुझे गिफ्ट की थी। दोनों साइड पे इसके काम है, बहुत ब्यूटीफुल काम है। अभी आपको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ इसका काम। ये देखिए, और मेरी दीदी ने मुझे एक कुर्ती गिफ्ट की थी, हर कलर आपको इसमें मिलेगा एंड थोड़ा सा थिक इसका कपड़ा है, बट यहाँ के वेदर के हिसाब से परफेक्ट है, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगी। और इसके साथ कोई भी लेगिंग चल जाएगी, तो मैंने लेगिंग नहीं ली है क्योंकि लेगिंग्स ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कलर्स की है। एंड बहुत ही प्रिटी सी कुर्ती है, बिल्कुल बेसिक है बट सुंदर बहुत लगी मुझे। और इसकी स्लीव्स भी थोड़े से अलग स्टाइल की है। तो ये कुर्ती है, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट की थी। और मैं गोविंद के लिए लेकर आई हूँ ये दो मंकी कैप्स, ये देखिए, एक येलो कलर की एक ग्रीन कलर की। और मैं उसके लिए वॉर्म इनर वेयर्स भी लेकर आई हूँ इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो सोचा जब जा रही हूँ तो ले जाती हूँ। गोविंद के पास नहीं थे क्योंकि गोविंद के छोटे हो गए थे लास्ट ईयर के, तो इसके लिए मैं तीन पेयर्स लेकर आई हूँ, फुल बॉडी लाइक अपर एंड लोअर वाला। और एक ये वुलन कुर्ती है जो मम्मी ने मुझे दी है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा एंड इसके हैंड्स पे एंड ऑल ओवर ये गोल्डन कलर का कुछ काम हो रखा है और नेक पे थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस का काम हो रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लगी। और आज होली अष्टमी थी तो मैंने सोचा चलो इसे पहन लेते हैं, थोड़ा सा फेस्टिव लुक आएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किचन के लिए एक और चीज़ ली है, ये हॉट केस। मेरा पहले वाला हॉटकेस ख़राब हो गया था, तो मैं एक ये छोटा सा हॉटकेस लेकर आई हूँ। कभी पूरी वगैरह बनाओ या पराठे जब गेस्ट आते हैं तो उसमें आप बना के अच्छे से रख सकते हो। और अपने लिए मैं एक ये गर्म नाइटी लेकर आई हूँ, ये देखिए, इसके लेफ्ट में ये थोड़ा सा वर्क हो रखा है, आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का सीक्वेंस बना हुआ है एंड ऑल ओवर ये इसी प्रिंट में है, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगी। और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो मुझे लगा कि ये अच्छी लगेगी घर में पहनने में। एंड यहाँ पे तो विंटर्स बहुत होती हैं, तो घर पे ये थोड़ा सा लाइट वॉर्म है, तो ओवरऑल मुझे वॉर्म रखेगा, तो एक ये नाइटी मैंने ली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गोविंद के टॉयज जो इंडिया से हम लोग लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये रिमोट कंट्रोल कार, इसके सारे डोर्स वगैरह सब कुछ ओपन होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार है। और ये चार्जिंग वाली कार है, काफ़ी अच्छी सी कार है, उसके मामा जी ने उसे गिफ्ट की थी। उसके बाद ये माइक लेकर आया है, वो अगेन उसके एक कज़न मामा ने उसे गिफ्ट किया था। ये देखिए, ये माइक है, ये मैं थोड़ा छुपा के रखती हूँ, अदरवाइज़ वो इसमें बहुत शोर करता है बोल बोल कर, तो ये एक माइक उसे गिफ्ट में मिला था। और एक ये वाला टॉय था, ये शायद मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाया था कि मेरी फ्रेंड मेरे भतीजे के लिए लेकर आई थी, बट मम्मी ने बोला कि अभी वो तो काफ़ी छोटा है और ब्लॉक्स वगैरह वाले टॉय से नहीं खेलता है, तो ये तुम गोविंद के लिए ले जाओ, तो गोविंद को एक ये वाला टॉय भी मिला था। तो ये कुछ सामान है जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं और भी बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, बट वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पूरा मेरा इंडिया का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारा सामान दिख जाएगा जो मैं इंडिया से लाई हूँ इस बार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सामान में अंशुल के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं बता दूं, अंशुल को कपड़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता लाइक ऑल अदर मेन। अंशुल को मम्मी के हाथ का बना सामान जो होता है मीठा, वो बहुत पसंद है, तो मम्मी ने उनके लिए गूंद के लड्डू, पेड़े, अचार, चूरन, आंवले का अचार और मोती चूर के लड्डू, ये सब कुछ बना के भेजा है, बहुत सारा खाने पीने का सामान, तो ही इज़ हैप्पी विद दैट एंड वी आर हैप्पी विद होम डेकोरेशन, टॉयज एंड कपड़े। तो ये सब सामान था जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ एज सबका प्यार, सबकी ब्लेसिंग्स। एंड होप करती हूँ आपको ये मेरा इंडिया का सामान सब पसंद आया होगा, और क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसके साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस फेस्टिव सीजन को इंजॉय करते रहिए। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।